घंटे नहीं हो गया है। हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? कपिल यादव। क्या है, एटीएम में काम कर रहे? नहीं ना, एटीएम नहीं आते। देखिए अपने यहाँ पे लेकर कैश नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आती है पब्लिक को कि ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी को पैसे की जरूरत है और एटीएम आता है तो बंदा यहाँ पे देखता है पैसे नहीं है। मतलब अभी डिमोनेटाइजेशन हुए इतना टाइम हो गया, उसके बाद भी एटीएम्स की हालत है, पब्लिक को बहुत परेशानी। अब तक कितने एटीएम आप हो चुके हैं? ये मेरा सेकेंड एटीएम है, दूसरा एटीएम है जिसमें पैसे नहीं आ रहे। डिमोनेटाइजेशन किए हुए मोदी सरकार को अभी हाल ही में 2 साल बीत चुके हैं, पर अभी भी बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ सकी है। दिवाली में 5 दिन के लगातार बैंकिंग अवकाश से एटीएम व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ज्यादातर एटीएमों में या तो कैश नहीं है, कुछ में शटर ही डाउन पड़ा हुआ है। ग्राहक इधर से उधर जाने पर विवश हैं, पर फिर भी उनको कैश हासिल नहीं हो रहा है। बैंक अधिकारियों ने छुट्टियों से पहले ही यह दावा किया था कि इस दरमियान बैंक के एटीएम सुचारू रूप से काम करेंगे, पर अभी भी उनके दावे सिर्फ और सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार।